वंदे मातरम सुजला। आज दिनांक 6 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा के एक दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी और प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात मौजूद थे। बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत से हुई। इस बैठक में अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने लालू यादव को घेरते हुए कहा कि लालू जी ने पहले मुस्लिम भाइयों को एक किया, उसके बाद सत्ता देने की जब बारी आई तो अपने ही परिवार को सत्ता दे दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार कोई भी सौगात लाती है उस पर विपक्ष उनको घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है, लेकिन उस सौगात का फायदा भी वही लोग उठाते हैं। इस पर बाबूलाल मरांडी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं को देखते हुए खुशी जाहिर की और कहा कि आने वाले दिनों में संगठन और भी मजबूत होगा और अल्पसंख्यक भारी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे। इतना बड़ा कार्यकर्ता हो, निष्ठावान हो, रोज पूछता हो क्या वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? सपना कोई ले सकता है? वहां तो उनका सपना देखने का भी अधिकार नहीं, क्योंकि वो सीट उनके लिए आरक्षित है, वहां पर पहुंच नहीं सकते कितना भी मेहनती आदमी हो। बिहार में लालू यादव मुसलमानों के सबसे बड़े नेता, मुसलमान जान देता था, और वो भी कहीं नहीं तो लालू यादव मैंने देखा है कि टोपी और हाजिर रुमाल और ऐसा सब बनाते थे भगत, कि ऐसा लगता था सबसे बड़ा मुसलमान यही है। लेकिन जब सत्ता सौंपने की बात आई और जब मुख्यमंत्री का पद लिया, जब वो जेल में गए तो सत्ता किसको दिए? बोलिए ना भाई, आप तो पहुंचे किसी दूसरे को दिए क्या? और दूसरा तो छोड़ो, किसी मुसलमान को दिए क्या? मुसलमान सबसे बड़ा रहता है। आदमी जब वसीयत करता है तो किसी करीब आदमी करता है ना, लेकिन जब सत्ता देने की बात आई तो पत्नी को दिया, और जब पार्टी का मुखिया बनाने की बात आया तो अपने बेटे को दिया। दिया किसी को? दे नहीं सकता, वो तो सिर्फ भगत सिंह ने बनाया था क्योंकि उसको हमारे और आपके वोट चाहिए थे, वोट के लिए वो पूरा नाटक था, बाकी आपको देना होना कुछ चिंता उसको। कुल मिलाकर मैं जो कहना चाहता हूं कि हमें अपने भाग का फैसला खुद करना है, अपना भाग विधाता खुद बनना है, और बनने के लिए हमें पूरा मैदान खाली है, हमारी जहां तक क्षमता है हम वहां तक दौड़कर पहुंच सकते हैं। इसलिए साथियों, हमको अपने क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है, और क्षमता कैसे बढ़ता है? क्षमता कोई लेकर पैदा नहीं होता है, क्षमता बढ़ता है प्रैक्टिस से। आज अगर आप ये सोच लें कि मुझे कल पैदल चलना है क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा रखना है, आप 1 किलोमीटर जाएंगे, आप जो है बैठ जाएंगे, आप चल नहीं सकते, आपकी सांस फूलने लगेगा। लेकिन अगर धीरे धीरे आप उसको प्रैक्टिस में ला लें तो धीरे धीरे आप बढ़ाते हुए जाएंगे, तो 1 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर 10 किलोमीटर भी चल जाएंगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि चलने की आपको आदत हो जाएगी। आज हमारे पास ऐसा नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको ऐसा लगता है कि अगर मैंने मोबाइल बंद कर लिया तो माननीय मोदी जी का मिस्ड कॉल चला जाएगा, फोन छूट जाएगा, वही चालू रखें, या फिर दिल्ली में सत्ता में संकट आ जाएगा वही जान रखे, बाकी लोग अगर थोड़ी देर साइलेंट मोड पर रख लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब मोबाइल बजता है तो सभी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये देखो, मैं भी डिस्टर्ब हो गया, कहा था मैं, भूल गया कहा था मैं, क्या बोल? सब लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा खासकर के अल्पसंख्यक के बीच में
और उनके भी खास करके अल्पसंख्यक में भी जो मुस्लिम माइनॉरिटीज है उनके सामने बहुत सारी कठिनाई है। यानी आप कह सकते हैं कि वे पत्थर में धूप को उगाना जैसा काम, लेकिन आज आप सबको देख करके बड़ी खुशी होती है कि आप इतनी बड़ी तादाद में हैं, क्योंकि काफी दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी और अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच में आए। तो वास्तव में मैं कह सकता हूं कि भाई हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतनी बड़ी तादाद में आओगे, और उसमें भी जिला के लोगों को बुलाया भी नहीं गया था, शायद जिला के लोगों को जानकर के नहीं बुलाया गया होगा कि शायद इस हॉल में तो जिला के लोगों के लिए शायद जगह ही नहीं होती। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आपकी उपस्थिति ये बता रही है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की, आज जो नरेंद्र मोदी जी बार बार देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो आज निश्चित रूप से अल्पसंख्यक भाई और बहनों का भी जो विकास और विश्वास पार्टी के प्रति जो बढ़ी है वो आज साफ यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो आप सब लोग इतनी तादाद में आए देख करके अपने को भी बड़ी खुशी होती है, बड़ी प्रसन्नता है, और इसलिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं ये कहूंगा कि देखिए विकास के लिए कोई अलग अलग कोई मापदंड नहीं होता है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो या आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, विकास का जो मापदंड है उस सबों के लिए जो कारक है वो एक ही जैसा होता है। हाँ, कुछ एक लोग पीछे रहते हैं तो उनको हम थोड़ा सा अपलिफ्ट करें, थोड़ा उनको अच्छे अवसर मिल जाए ताकि वो भी जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। तो मैं यह कहूंगा कि आप देखें, क्योंकि हम लोग तो गांव से आते और वैसे गांव में थे, क्योंकि हम जब 1998 में दिल्ली गए और भारत सरकार में मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में, तो उस समय प्रेस के मित्र लोग आते थे, हमसे पूछते थे कि भाई आप कहां से आते हैं, तो मैं लोगों को कहता था फख्र के साथ कि भाई हम तो तीसरी दुनिया से आते हैं। तो वो लोग बड़ी हंसते थे, कहते थे ये तीसरी दुनिया क्या होता है। तो मैं इन लोगों को कहा था कि भाई तीसरी दुनिया वो है जहां पर आज की जो विकास की जो संसाधन है वहां पर दिखाई आपको नहीं पड़ेगा, ना गांव तक आने जाने की कोई सड़क है, बिजली तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लोग बीमार हो जाए तो कोसों दूर चाहे तो खाट पर या ले जाना पड़ता है किसी प्रकार से, या वही लोग मर जाते हैं। तो यानी सब प्रकार से अभाव ही रहा है। तो उस वक्त को मैं याद करता हूं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने, और उस समय जब तो सरकार नहीं बनी थी तो उस समय तो बिहार एक साथ था, तो हम लोग देखते थे तो विकास का काम वही होता था जिसको लोग वोट दिया करते थे, तो उसके एमएलए एमपी वही लोग काम करते थे, वहीं तक सड़कें बनाएंगे, वहीं पर अन्य जो भी सुविधाएं की चीजें हैं, यहां तक कि चापाकल भी लोग गाड़ते थे, तो वो लोग भी ओर जाड़ करके लोग देखते हैं कि भाई जहां हमें वोट मिला है उनकी अपनी समस्या होता है जो चुनाव लड़ने वाले लोग। लेकिन हम मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि पहली दफा जब देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बने तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उन्होंने एक योजना निकाली, और उसके बाद ये नहीं हुआ कि हिंदू गांव है या मुस्लिम गांव है या ईसाई है या दलित है कि भाई पहले तय हो गया कि 1000 गांव की जो आबादी है उसको पक्की सड़कों से छोड़ना। मैं इसलिए इस बात को उल्लेख कर रहा हूं कि किस प्रकार से हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे किसी जाति और क्षेत्र को उन्होंने वर्गीकृत नहीं किया, बल्कि एक टारगेट पॉइंट तय किया कि 1000 की जो भी आबादी की गांव हो वहां तक हम सड़कें पहुंचा देंगे। और आज मैं फख्र के साथ कह सकता हूं झारखंड की अगर आप गांव की ओर आप जाएंगे, झारखंड ही नहीं पूरे देश की अगर आप गांव की ओर जाएंगे तो आप वहां तक सड़कें पहुंच गए, आप गाड़ी से पहुंच सकते हैं। ये किसी भी कोई दूसरे सरकार ने नहीं किया, कोई दूसरा प्रधानमंत्री भी नहीं किया, क्योंकि ये एक एक गांव के विकास के बारे में चिंता करना अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी। तो भी ये कह रहा था, फिर आज भी जितना काम आप देख रहे होंगे फिर गांव तक बिजली पहुंचाना, तो आज तो मैं कह सकता हूं कि भाई हमारे गांव आप वो तीसरी दुनिया नहीं रहा, आप तो पहली दुनिया नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नहीं भाई आप तो हम दूसरी दुनिया में जरूर हम पहुंचे। पहले तो चिंता होती थी घर में जाएंगे दुनिया में क्या हो रहा है, संपर्क कट जाता था, लेकिन आप देखें तकनीक का इतना दूर तक पहुंचा दिए कि आप
क्या करते हैं, गांव में भी रहते हैं तो पता नहीं चलता है कि हम रांची में रहे या गांव में रहे, दोनों बराबर है। क्या दुनिया में किसी भी हिस्सों से किसी से भी बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं, लोगों से जुड़ सकते हैं और जब चाहे फिर वहां से गाड़ी में बैठ करके जहां जाना इच्छा वहां जा सकते हैं। लेकिन आज से आप उम्मीद करिए, 20 साल पहले आप नहीं वैसे जा सकते थे क्या, वैसे चल सकते थे क्या? कांग्रेस ने तो वर्षों तक इस देश के अंदर में राज किया। तो नहीं, ये कह रहा था कि आज जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास और सबका विश्वास, ये सिर्फ नारा ही नहीं है, सिर्फ वो शब्दों में ही नहीं है, बल्कि उसको कार्य रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको दिखाया है। और झारखंड प्रदेश के अंदर में भी पहली बार जब हम राज्य के मुख्यमंत्री बने तो एक तो हम कहते हैं कि सत्ता का कोई चलाने का बहुत सारे अनुभव नहीं था, लेकिन हमने उस समय जो काम प्रारंभ की तो आज लोग उसे याद भी करते हैं। और मैं कहता हूं किसी के साथ कोई बिना भेदभाव किए समाज के लिए जो कुछ भी हो सकता है जितना कर सकते हैं उसको कर करके हमने दिखाया। तो मैं आप सबको इतना ही विश्वास सिर्फ दिलाना चाहता हूं कि आप सबको देख करके प्रसन्नता होती है, बाबूलाल मारांडी जी सदैव आपके साथ रहे, जहां कहीं भी कोई तकलीफ हो, कोई किसी प्रकार की कठिनाई हो तो विधायक दल के नेता के कारण ही नहीं, ऐसे भी हम इस देश के एक नागरिक हैं और इस राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और पहले भी जब कभी भी किसी के साथ कोई तकलीफ हुआ तो हमें लोग नहीं बुलाया, अगर हमें भी जानकारी मिली तो मैं खुद उस व्यक्ति के यहां जा करके पहुंच करके उनको हमने मदद। अब इसी राज्य में पता है पिछले साल एक उस समय हालांकि बीजेपी की ही सरकार थी यहां पर डॉक्टर इंतजार अली बेचारा फंस गए, उन्होंने हमारे पास कोई अप्रोच नहीं किया था, मेरे पास नहीं आया, क्या उनके कोई परिवार के लोग आए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हमने पूरी जब तहकीकात की लगा कि ये नहा कि ये व्यक्ति फंस जाएंगे अगर इनको हम मदद नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर तो कहने का अर्थ है कि हमने हर हमेशा जब कभी भी किसी भी लोगों के साथ कोई तकलीफ हुआ तो हमने अपने ओर से भरसक कोशिश किया है, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी मजहब को मानने वाले हो, तो हमें उसका कोई भेदभाव किए बगैर हम ऐसे हर हमेशा खड़ा करते। और मैं लोगों को एक बात कहा करता हूं कि भाई हम एकीकरण की तो मैं हम तो इस चीज पर हम विश्वास करते हैं, बार बार मैं लोगों से कहता हूं भाई विविधता तो प्रकृति ने नेचर में ही बना करके रखे, इस विविधता को आप समाप्त नहीं कर सकते, जहां नेचर ने जो बना रखा है उसको कैसे आप समाप्त कर सकते। आप जंगलों में जाइए, धरती के कोई भी हिस्सों में जाइए, वहां की जलवायु वहां के हिसाब से पेड़ पौधा पशु पक्षी भी वहां पर आपको दिखाई पड़ेगी। तो कहीं का अर्थ मेरा इतना ही है कि जब धरती में प्रकृति नहीं नेचर नहीं ईश्वर नहीं विविधता हमें दी है तो उस विविधताओं में हम अपने आप को कैसे समरस स्थापित कर सके, यही मेरी महानता है। और इसके बिना हम फिर जी भी नहीं सकेंगे, क्योंकि प्रकृति में अगर सब नहीं रहेगी, क्योंकि एक दूसरे के पूरक होते हैं और एक दूसरे के पूरक किसी चीज को हमें समझना पड़ेगा, अगर इसको हम नहीं समझे तो कभी कभी क्या होता है किसी भी जाति और मजहब में देखते हो बड़ा उन्माद पैदा हो जाता है और इसको लेकर के फिर आपस में। तो मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता आप सब लोग उस कठिन क्षेत्र में काम करते तो ये कह सकते हैं चाइना की बॉर्डर और पाकिस्तान की बॉर्डर से भी शायद अधिक कठिन क्षेत्र है, वहां पर आप सब लोग काम करते हैं लेकिन हिम्मत को नहीं हारना है। तो जैसे उस समय हम लोग देखते थे दो चार लोग ही दिखाई पड़ते थे, कमाल खान साहब से हम लोग मजाक भी करते थे और उधर क्या कयूम भाई है सारे तो बहुत कम लोग दिखते थे। हम आज पीछे में देखे कि हमारे एक गांव के बगल के आए हुए हैं भाई रियास भाई हैं, तो उनको हम लोग देखते थे शुरू से और बाकी मतलब दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन वास्तव में आज जो इतनी बड़ी तादाद में आप सब लोगों को देख करके बड़ी खुशी होती है। अब लगता है वो दिन दूर नहीं होगी जिस दिन भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटीज के लोग उसी अनुपात में दिखाई पड़ेंगे, कहीं उससे अधिक अनुपात में दिखाई पड़ेंगे जिस अनुपात में आजकल या देश में आबादी ये सब जगह दिखाई पड़ेंगे आपकी ये देख करके। लेकिन हम सब लोगों को हौसला
बनाए रखना है, लोगों के बीच जाना है, क्योंकि हमें ही लोगों की एक चेहरा है, ये हमारी चेहरा से ही लोग जुड़ेंगे। हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं समाज के लोगों के साथ, उनके दुख सुख में हम कैसे शामिल होते हैं, ये बड़ा महत्व का विषय रखता है। अगर आप उनके सुख दुख में नहीं शामिल होंगे तो आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, आपके बातों को नहीं मानेंगे। उनको लगना चाहिए कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, माइनॉरिटी मोर्चा के, हमारे घर परिवार में या समाज में कोई भी तकलीफ आया तो हमारे पास वो आए। तो मुझे लगता है कि इतनी काम आप सब लोग अगर करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले कल बहुत ही अच्छा होगा। और इतना देख करके तो खुशी हो रही है, कल ये गिरिडीह से जो वहां के क्या बोलते हैं पूर्व अध्यक्ष थे, अच्छा उपाध्यक्ष थे, वो आए कि भाई हम लोग तो पिछले चुनाव में बीजेपी को जिस क्षेत्र के बारे में बताया वहां कंप्लीट जिसको कहते ना मुस्लिम मतदाता ही, तो ने कहा कि पहले तो 30-40 वोट मिलता था, पिछले बार हम लोगों ने 250 वोट दिलाए, तो हमने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, आने वाला कल में 250 क्या 2.5 लाख अभी जिला में दिला देंगे, लेकिन आप काम करते रहो और लोग जुटे हुए तो बहुत अच्छा लगा। इसलिए विशेष कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि थोड़ा देर बैठ करके हम अध्यक्ष जी का जरूर बात को मैं सुन लूंगा, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।